नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें, बने रहिए हमारे साथ। बरसात से पूरे जिले में जलजमाव हो गया है, जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। तो वही कार्यालय व ऑफिसों में भी बरसात का पानी घुस गया है। वही अतरौलिया नगर पंचायत में जलजमाव तथा जल निकासी की समस्या से स्थानीय लोगों में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पिछले लगभग कई वर्षों से लगातार समुचित जल निकासी की व्यवस्था ना होने से तथा नालों की साफ सफाई नहीं होने से लोगों के घरों तक गंदा पानी बरसात के मौसम में पहुँच रहा है तथा सड़कों पर लबालब पानी भरा रहता है। नालियों की साफ सफाई ना होने से बरसात के मौसम में हल्की बारिश होने पर भी नालियों का गंदा पानी सड़कों के ऊपर बहने लगता है। गंदा पानी पहुंचने से जहां दुर्गंध से लोगों को रहना मुश्किल हो जाता है, तो वहीं COVID-19 के दृष्टिगत संक्रामक बीमारियां फैलने का भी लोगों के अंदर भय बना रहता है। वही जिला प्रशासन तथा नोडल अधिकारी द्वारा बार बार निर्देश दिया जा रहा है कि समय से नगर पंचायत नगर पालिका में होने वाले जल जमाव तथा नालियों की साफ सफाई पूर्ण करा दी जाए। ब्लीचिंग चूने तथा एंटी लार्वा का छिड़काव भी नियमित रूप से किया जाए। नगर पंचायत के लोहिया नगर वार्ड खानपुर फतेह तथा बधुनिया रोड पर सड़कों पर गंदा पानी बहता रहता है। सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है, जो जल निकासी व्यवस्था ना होने से सड़कों पर गंदा पानी जमा होता है। सुनाते हैं राजाराम सिंह, स्थानीय व्यक्ति ने क्या कुछ कहा। राजाराम सिंह, क्या समस्या है आप इसके बारे में बताइए। समस्या ये है कि हम लोगों के मोहल्ले में यानी अतरौलिया के बीचों बीच एक गढ़ही है और उसी गढ़ही में अतरौलिया का सारा गंदा पानी हमेशा गिरता है। उसमें से एक नाला बना हुआ था बहुत लंबा चौड़ा, जो बहता था और सारा पानी नदी में ले जाता था। कई वर्षों से उस नाले का रखरखाव, उसकी सफाई सब बंद हो गई है, इसलिए नाला भटकर बेकार पड़ा है। अब नतीजा ये है कि पूर्वी अतरौलिया में सीधे सीधे मैला से भरा हुआ पानी बहता रहता है। थोड़ी भी बारिश होती है तो ये पानी लोगों के घरों के सामने आता है। बारिश और ज़्यादा होती है तो पानी घरों में घुसता है, कीड़े मकोड़े सब घरों में घुस जाते हैं। यहाँ सराध और दुर्गंध इतनी है कि रहना मुश्किल है। स्वास्थ्य की समस्या यहाँ शुरू हो गई है। हम लोगों ने SDM को ज्ञापन दिया है, SDM से जबानी भी कहा था, उनको दिखाया भी था। अभी हम लोगों ने DM साहब को और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा है। ये कितने वर्षों से यहाँ जल जमा हुआ है? ये कम से कम तो 12-14 वर्षों से समस्या खड़ी हुई है।